हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं कैप्टन मिलर इस मूवी का थर्ड चेंजेस सलेक्शन को लेकर, आयलन इस मूवी का थर्ड चेंजेस सलेक्शन को लेकर, हनुमान इस मूवी का थर्ड चेंजेस सलेक्शन को लेकर, गुंटूर करम इस मूवी का थर्ड चेंजेस सलेक्शन को लेकर, बात करेंगे कटेरा इस मूवी का 27 सलेक्शन को लेकर। आप लोग जानते हैं कटेरा जो चैलेंजिंग दर्शन सर की फिल्म है, पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू मिला है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कटेरा लाइफ टाइम में एक बढ़िया कलेक्शन करे। आप लोग जानते हैं चैलेंजिंग दर्शन सर, जिनको कनाडा के बॉक्स ऑफिस किंग कहा जाता है, कनाडा के दर्शक फैमिली दोस्तों उनके लिए पागल है, उनके कटेरा डे बाई डे अभी तक अच्छी कलेक्शन कर रहा है और मूवी लाइफ टाइम में 175 से 200 करोड़ प्लस बिजनेस कर पाएगा। बात करेंगे इन पांचों फिल्मों को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल को। फिर बात करें कैप्टन मिलर को लेकर, इसमें का बजट है 60 करोड़ रुपीज। थ्री रोल में है सुपरस्टार धनुष सर, शिवराज कुमार सर। इसमें थर्ड चेंजेस कंप्लीट क्या है, शिवराज कुमार सर और सुपरस्टार धनुष सर के कैप्टन मिलर। आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में क्लीन हिट है, कर्नाटक में क्लीन हिट है। मूवी अभी भी बहुत ही स्टेट में जैसे केरला और इस मूवी को और भी कुछ जगह में नॉर्थ इंडिया में रिलीज किया गया, वहां से भी अच्छी कलेक्शन नहीं कर पाया, क्लीन हिट नहीं हुआ। कैप्टन मिलर ओवरसीज मार्केट में ब्लॉकबस्टर जा चुका है। अब थर्ड में तमिलनाडु सेशन क्या 80 लाख और उस मार्केट सेशन क्या 30 लाख, वाला मार्केट सेशन क्या 140 लाख। तो चलो इसका क्वेश्चन है 103 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक कैप्टन मिलर नहीं देखा, देख लेना। सुपरस्टार धनुष सर, शिवराज कुमार सर के कैप्टन मिलर कैसा लगा, मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, क्या लाइफ टाइम में मूवी एक मैसिव कलेक्शन करेगा, एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनेगा, कौन उतार सकते हैं। अब बात करें आयलन को लेकर, इसमें का बजट है 30 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है शिव कार्तिकेयन सर। इसमें थर्ड चेंजेस कंप्लीट क्या है, शिव कार्तिकेयन सर के आयलन को पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू मिला है। आप लोग जानते हैं मूवी तमिलनाडु से मेगा ब्लॉकबस्टर जाएगा, क्योंकि मूवी को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिला है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि आयलन लाइफ टाइम में कम से कम 150 करोड़ प्लस बिजनेस करेगा, क्योंकि मूवी का रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव है और मूवी पक्का 50 डेज कंप्लीट करके बॉक्स ऑफिस में 150 करोड़ प्लस बिजनेस कर पाएगा। अपने थर्ड चेंजेस में तमिलनाडु सेशन क्या 2 करोड़ रुपीज और मार्केट सेशन क्या 35 लैक्स, वाला मार्केट सेशन क्या 2 करोड़ 50 लैक्स और उसका क्वेश्चन 95 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक आयलन नहीं देखा, देख लेना। शिव कार्तिकेयन सर का आयलन कैसा लगा, मूवी लाइफ टाइम में कितना पैसा कमाएगा। हमारा एक्सपेक्टेशन तो है कि आयलन लाइफ टाइम में कम से कम पक्का 150 करोड़ प्लस बिजनेस करे। आयलन कैप्टन मिलर अभी तक तेलुगु इंडस्ट्री में रिलीज नहीं हुआ, तेलुगु इंडस्ट्री में रिलीज होने के बाद दोनों फिल्म का कलेक्शन और भी बढ़ सकता है। अब बात करें हनुमान को लेकर, इसमें का बजट है 55 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है तेजा सज्जा सर। सर थर्ड चेंजेस कंप्लीट क्या है, तेजा सज्जा सर के हनुमान को पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू मिला है। अगर फैमिली जन सपोर्ट करे, हनुमान लाइफ टाइम में 350 करोड़ प्लस बिजनेस पक्का करेगा। फाइटर का कलेक्शन या फाइटर का रिव्यू अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव आए तो हनुमान लाइफ टाइम में आसानी से 350 करोड़ पार कर जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं हनुमान हिंदी मार्केट से अच्छी कलेक्शन कर रहा है और फाइटर हिंदी मार्केट में अगर पॉजिटिव रिव्यू मिला तो हनुमान को कोई भी थिएटर नहीं दिया जाएगा। जो भी हो, अपने थर्ड चेंजेस में इस मूवी ने आधा पैसे देंगे सेशन के 2 करोड़ 10 लैक्स और मार्केट सेशन के 50 लैक्स, वाला मार्केट सेशन के 5 करोड़ रुपीज। तो जो इस क्वेश्चन है 218 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक हनुमान नहीं देखा, देख लेना। तेजा सज्जा सर के हनुमान कैसा लगा, हमारा एक्सपेक्टेशन तो है कि मूवी लाइफ टाइम में 350 करोड़ प्लस बिजनेस करे। आपने अभी तक हनुमान नहीं देखा, देख लेना। यह सुपर हीरो वाली फिल्म जो तेलुगु इंडस्ट्री से रिलीज हुआ, मूवी का कलेक्शन और रिव्यू बहुत ही बढ़िया है। अब बात करें गुंटूर करम को लेकर, इसमें का बजट 150 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है सुपरस्टार महेश बाबू सर। इसमें थर्ड चेंजेस कंप्लीट क्या है, सुपरस्टार महेश बाबू सर के गुंटूर करम को पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू मिला है। फैमिली जन के सपोर्ट के वजह से गुंटूर करम ऑलरेडी एक मेगा ब्लॉकबस्टर कलेक्शन कर रहा है। आप लोग जानते हैं सुपरस्टार महेश बाबू सर, जिनको तेलुगु इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस किंग, तेलुगु इंडस्ट्री के प्रिंस कहा जाता है। आप लोग जानते हैं गुंटूर करम जब रिलीज हुआ, मूवी फर्स्ट डे में 95 करोड़ प्लस बिजनेस किया, सिर्फ सुपरस्टार महेश बाबू सर के स्टार दम के वजह से। अपने थर्ड चेंजेस में इस मूवी ने आंध्र प्रदेश का सेशन किया 1.20 लैक्स और इस मार्केट सेशन किया 20 लैक्स, वाला मार्केट सेशन किया 1.50 लैक्स। तो जिस क्वेश्चन है 259 करोड़ रुपये। इस मूवी लाइफ टाइम में 275 से 300 करोड़ प्लस बिजनेस करके पक्का क्लीन हिट या प्रॉफिटेबल बिजनेस कर लेगा। अब बात करें कटेरा को लेकर, इसमें का बजट है 40 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर। 27 डेज कंप्लीट क्या है, चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर के कटेरा को पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू मिला है। अगर फैमिली जन सपोर्ट करे तो कटेरा लाइफ टाइम में हमें लगता है 175 से 200 करोड़ प्लस बिजनेस पक्का कर लेगा। आप लोग जानते हैं दर्शन सर कितने अच्छे एक्टर है और उनका कितना बड़ा फैन बेस पूरे कर्नाटका में है। कर्नाटका में उनको डी बॉस, चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर या बॉक्स ऑफिस किंग, बॉक्स ऑफिस सुल्तान
ऐसे नाम से बुला जाता है। कनाडा के जो क्रेजी फैन बेस है या कनाडा के जो रियल फैन बेस है, कनाडा के फैमिलोडियंस दर्शन सर को सपोर्ट करता है प्लस उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने 27 डेज में कटेरा ने कनाडा सेशन के 75 लैक्स और मार्केट सेशन के 10 लैक्स वाला मार्केट सेशन के 90 लैक्स तो उसने 151 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक कटेरा नहीं देखा, देख लेना। चैलेंजिंग शो दर्शन सर के कटेरा कैसा लगा, मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है। कटेरा, गुंटूर करम, हनुमान, आयलान, कैप्टन मिलन, इन सारे मूवीज में सबसे अच्छी सबसे बढ़िया इंडियन फिल्म कौन सा है, कौन बता सकते हैं। धन्यवाद।